अगर आपने कभी भी ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट किया है तो आपको मालूम होगा कैसे लोग लेफ्ट से बात करते हैं, कैसे राइट में बात करते हैं, कैसे कोई भी कहीं भी इंटरप्ट करता है, बात आधी ही कट कर देते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हमें टॉपिक ही नहीं समझता है ग्रुप डिस्कशन में, हम पार्टिसिपेट कहाँ से करेंगे। सो इन दिस वीडियो हम यही सब बात करने वाले हैं। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो मैं इतनी तो श्योरिटी ले सकती हूँ कि आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज मिलने वाला है, और मैं ये श्योरिटी जरूर ले सकती हूँ कि आपको ये पता चल जाएगा कि ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट कैसे करना है, कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो बाकी सब करते हैं या आप भी करते आए होंगे, उनसे कैसे बचना है। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं व्हाट आर दोस कॉमन मिस्टेक्स जो मैंने ऑब्जर्व की हैं, जो कैंडिडेट जनरली एविएशन में करते हैं। सो कॉमनली हमारी जो इंडस्ट्री है वो 18 to 27 तक की एज रेंज को एड्रेस करती है। नाउ 18 to 24, आई नो हाउ करेजियस यू गाइज आर एंड आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि आपके अंदर वो एक हंगर है टू विन एंड टू गेट सिलेक्टेड, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत क्यूरियोसिटी भी हो जाता है, थोड़ा बहुत हम एक्स्ट्रा वेगेंट भी चले जाते हैं व्हेन इट कम्स टू आर एविएशन इंडस्ट्री और व्हेन इट कम्स टू आर इंटरव्यू। सो सबसे पहली मिस्टेक जो बच्चे करते हैं, दे डू नॉट इवन लिसन टू द टॉपिक। जब भी हम बात कर रहे हैं, जब भी मुझे टॉपिक मिलता है, क्योंकि मैं एक लेवल मेरे रिक्रूटर से एडवांस चलना चाहती हूँ, मैं टॉपिक ही नहीं सुनती हूँ। अगर मैं टॉपिक नहीं सुन रही हूँ, आई विल नॉट बी एबल टू पार्टिसिपेट। तो गाइज, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, बी एन एक्टिव लिसनर। जब भी आप जीडी में पार्टिसिपेट कर रहे हो, टॉपिक को एज इट इज सुनो और एज इट इज रिपीट कर दो। फॉर एग्जाम्पल, अभी रिसेंटली इंटरव्यू में टॉपिक दिया गया था नेगेटिव ऑब्सेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो अगर मैंने टॉपिक ही नहीं सुना है, मैं बात कैसे करूंगी। तो जब भी आप टॉपिक सुन लिया है, रिपीट एज इट इज। सो गुड मॉर्निंग एवरीबडी, माय नेम इज कनिका, आई वुड लाइक टू स्टार्ट द ग्रुप डिस्कशन टुडे। वेल, द टॉपिक गिवन इज नेगेटिव ऑब्सेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वेल, इन माय ओपिनियन और पर्सनली आई फील और बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस, ये कुछ फ्रेजेस हैं जो आप यूज कर सकते हो व्हाइल यू आर पार्टिसिपेटिंग इन अ ग्रुप डिस्कशन, और आप फिर कंटिन्यू करें। नंबर टू, जब भी आप जीडी में पार्टिसिपेट करें, कॉमनली यू गेट आइसोलेटेड। हम बात ही नहीं करते हैं क्योंकि टॉपिक नहीं सुना है, या टॉपिक सुना भी है तो मुझे मालूम नहीं है क्या बात करना है। तो उसके बेस्ट सॉल्यूशन क्या है? जब भी आपको कोई टॉपिक मिलता है, आप आइसोलेट मत करिए। डू नॉट बी शाई इन अ ग्रुप डिस्कशन, बिकॉज शाइनेस की एविएशन इंडस्ट्री में जगह ही नहीं है। आप उसकी जगह सुने टॉपिक को, और सुनकर मत पहले मत बोलिए इसमें। आप पहले इंसान को बोलने दीजिए, दूसरे को बोलने दीजिए, तीसरे को बोलने दीजिए, चौथे को भी बोलने दीजिए, पांचवें या छठे नंबर पे आप बात करेंगे। इससे क्या होगा, जो आप पहले पांच को सुन रहे हैं उनको आराम से सुनिए, उनसे पॉइंट्स गैदर करके फिर एक अपना पॉइंट बोल सकते हैं। दैट वुड बी द बेस्ट स्ट्रैटेजी यू कैन यूज टू अवॉइड द आइसोलेशन इन द ग्रुप डिस्कशन। नंबर तीन, जो सबसे कॉमनली मैंने देखा है, यू स्पीक वेन एवर यू गाइज आर स्पीकिंग, आप इतनी स्पीड में बात करते हो दैट यू डू नॉट इवन बॉदर कि दूसरे इंसान को समझ रहा है या नहीं समझ रहा है। एंड इसके साथ साथ एक्सप्रेशनलेस। आई हैव बीन टीचिंग एंड आई हैव बीन ट्रेनिंग एस्पायरिंग कैबिन क्रू फॉर ओवर 3 years नाउ। हम 1000 से ज्यादा बच्चों को ट्रेन कर चुके हैं, और आप इमेजिन करिए, कम से कम 100 से 200 GD मैं करवा चुकी हूँ फिलहाल तक। तो 100 से 200 GD के अंदर अभी तक ये इवैल्यूएट किया है कि बच्चे बोलना जानते हैं, दे नो हाउ टू स्पीक, बट किसी ने भी उनको ये नहीं बताया है कि कैसे बोलना है। यू नीड टू बी अवेयर ऑफ दैट। अब उसके लिए आप क्या करेंगे, अगर आप दो भी पॉइंट बोल रहे हो, उन दोनों पॉइंट को भी आप स्माइल के साथ, आईज आपकी मूव होनी चाहिए, आईब्रोज आपकी मूव होनी चाहिए, नेक मूव होगी ना, तो ऑटोमेटिकली जो भी आप बोल रहे हो वो और इम्पैक्टफुल साउंड करेगा। सो ये हमारे पहले तीन पार्ट हो गए। फोर्थ मिस्टेक जो कॉमनली बहुत ज्यादा होती है, थम्पिंग द टेबल, पॉइंटिंग, ऐसे बैठना, ये सब अवॉइड करिए इन अ ग्रुप डिस्कशन। सीधा बैठिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, यू नीड टू बी मोर अवेयर, आप जीडी में जा रहे हो ना, तो आपकी प्रेपरेशन घर से होनी चाहिए। तो जब आप जा रहे हो जीडी में, व्हाट यू हैव टू डू इज डू नॉट शाउट। बाहर ही पहले तो आप डेकोरम मेंटेन करेंगे वेटिंग एरिया में, एंड व्हेन यू कम इनसाइड एंड देन यू विल हैव दैट कॉन्फिडेंस इन यू कि यार मेरे अंदर वो क्लास है, वो स्टैंडर्ड है। बिकॉज एविएशन इंडस्ट्री में जितने भी आप एक्सपीरियंस्ड क्रू को देखेंगे ना, यू विल ऑलवेज फाइंड देम हैविंग अ स्टैंडर्ड, हैविंग अ क्लास, हैविंग एन एलिगेंस, और तभी आप क्रू बनना चाहते हो। तो वो एलिगेंस और वो चार्म आपको आपके अंदर भी लाना पड़ेगा, क्योंकि कल जो जनरेशन आ रही है वो आपको देख के क्रू बनेगी। तो जब भी आप जीडी में जा रहे हैं, शाउट ना करें,
मेंटेन करे डेकोरम बात भी करना है, तो आप आई डू अंडरस्टैंड योर पॉइंट, आप वेल आई डू नॉट अग्री हियर हाउ एवर एंड देन यू गिव योर पॉइंट. तो ये कुछ फ्रेजेस हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, आई डू नॉट अग्री, आई कंप्लीटली अग्री, आई क्वाइट अग्री, हाउ एवर, आई रिफ्रेन टू अग्री विद यू, ये सारे स्टेटमेंट्स आप यूज करके आप आगे बढ़ सकती हैं. नंबर फाइव जो कॉमनली मिस्टेक देखा गया है, वन एवर यू पार्टिसिपेट इन अ ग्रुप डिस्कशन, आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं होता है बात करने का. पॉइंट्स हैं यहाँ पर, यू हैव द पॉइंट्स हियर, बट यू डू नॉट नो द राइट स्ट्रैटेजी टू स्पीक. अब आप मेरी बात अब ध्यान से सुनेंगे, यू पॉज हियर इफ यू वॉन्ट टू, आप पानी पीकर आ जाइए या चाय पीकर आ जाइए इफ यू वॉन्ट टू, लेकिन ये पार्ट आप बहुत ही ध्यान से सुनने वाले हैं, बिकॉज अब मैं आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ जो 120% आपके लिए काम करेगी. अगर आप एक ऐसे बच्चे हो जिसके यहाँ पर तो पॉइंट्स हैं लेकिन बोलना नहीं आता है, सो लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड दैट एज वेल. बात करते हैं उस स्ट्रैटेजी की. नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, जब भी आप बात कर रहे हो इन अ ग्रुप डिस्कशन और यू आर समबडी हु नोज द पॉइंट बट यू आर स्केर्ड ऑफ स्पीकिंग, प्लीज डू नॉट स्पीक इनिशियली, बिकॉज इनिशियली आप बात करेंगे ना, यू विल बी डिस्टर्बिंग द मोमेंटम ऑफ द ग्रुप डिस्कशन और आपके रिजेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं. ऑन द अदर हैंड, आई वुड वॉन्ट यू टू स्पीक इन टॉप फोर. टॉप फोर का मतलब है कि मैं पहले चार में से किसी भी एक में बात कर लूंगा. इफ यू आर समबडी जिसके पॉइंट्स माइंड में है लेकिन आपको बोलना नहीं आ रहा है, तो टेक टाइम. आप फिलहाल के लिए मत सुनो किसी को भी, डू नॉट इवन लिसन टू एनीबडी, बिकॉज यू ऑलरेडी हैव सर्टेन पॉइंट्स टू एड अप. नाउ व्हेन यू हैव सर्टेन पॉइंट्स टू एड, आप पहले इंसान को बोलने दो, दूसरे इंसान को बोलने दो. एट दिस मोमेंट व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज यू आर जस्ट गोइंग टू मेक आई कॉन्टैक्ट विद द स्पीकर. सो लेट्स से टुडे द पर्सन सिटिंग राइट हियर इज स्पीकिंग, सो आई एम जस्ट गोइंग टू लुक एट देम एंड ऑब्जर्व द बॉडी लैंग्वेज. ओके, मेरे पॉइंट्स यहाँ पर हैं लेकिन आई डोंट हैव द करेज टू स्पीक, व्हाट विल आई डू? I am just going to look at that person and nod. Meanwhile, what I am doing inside my head is just recalling my points, putting them into structure. Because जैसे ही वो चुप हो रहे हैं ना, अब मुझे बात करना है. तो जैसे ही उन्होंने, क्योंकि मैं उधर देख रही हूँ स्पीकर को, जायज सी बात है वो स्पीकर मेरे साथ आई कॉन्टेक्ट जरूर बनाएगा. अभी ये कैसे है, मेरी बॉडी लैंग्वेज. ओके, और मैं थोड़ा आगे आकर उस इंसान को देख रही हूँ. एंड नाउ आई एम गोइंग टू स्पीक. जैसे उसने वो चुप हुआ ना, आई कंप्लीटली अग्री विद यू सर, इन माई ओपिनियन एंड यू वॉट एवर द पॉइंट्स आर देयर इन योर माइंड, यू गिव इट टू द रिक्रूटर. ये स्ट्रैटेजी आप अप्लाई करिए इंटरव्यू में, या फिर आप अपने कॉलेज में, या फिर अगर आप स्कूल में हैं वहाँ अप्लाई करिए, ये हमेशा काम करता है. तो चलिए अब मैं आपको कुछ ऐसे फ्रेजेस बताती हूँ जो आप अपने रिक्रूटर के सामने आसानी से यूज कर सकते हो. एंड दिस इज गोइंग टू ईज आउट लॉट ऑफ योर स्ट्रेस व्हेन इट कम्स टू पार्टिसिपेटिंग इन अ ग्रुप डिस्कशन. तो एज इनिशिएटर, जब भी आप इनिशिएट कर रहे हो अपना ग्रुप डिस्कशन, हमेशा याद रखो सबसे पहले आप बात कर सकते हो बाय स्टेटिंग योर ओपिनियन. तो आप क्या बोल सकते हो, इन माय ओपिनियन एंड यू स्टार्ट. दूसरा, बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस एंड यू स्टार्ट. तीसरा, आई हियर बाय वुड लाइक टू टेल यू. चौथा, यू कैन टेल देम टू डिफाइन द टॉपिक एंड यू विल स्टार्ट द टॉपिक. तो ये चार चीजें आप शुरू कर सकते हो एंड एड योर पॉइंट इन द इनिशियल पार्ट. दूसरा, अगर आप बीच में इंटरप्टर बनना चाहते हो, आप क्या बोल सकते हो, आप यू कैन सिंपली टेल देम आई अग्री टू योर पॉइंट और आई डिसअग्री टू योर पॉइंट एंड यू गो अहेड. नंबर थ्री, अगर आप ये जीडी को समाप्त करना चाहते हो, फिनिश करना चाहते हो, यू आर कॉल्ड एज समराइजर. आप एक समराइजर कहलाते हो. तो आप समराइजर बन के क्या बोल सकते हो, थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग इन अ ग्रुप डिस्कशन, नाउ आई वुड लाइक टू समराइज द टॉपिक. और आप फिर अपने पॉइंट बोल रहे हो, जो भी आपके पॉइंट्स हैं. दिस इज हाउ यू हैव टू स्टार्ट, मीडिएट एंड एंड योर ग्रुप डिस्कशन. तो ये तीन पार्ट आपके जीडी में रहते हैं और ये तीनों के डायलॉग्स जो हैं, ये आपको पता होने चाहिए. मैंने एक एक सैम्पल आपको दे दिया है ताकि आपको मालूम हो कि कैसे जीडी में पार्टिसिपेट करना है. Now, ladies and gentlemen, there are certain do's and don'ts of a group discussion. Though I do not want to make this video quite a long video, तो मैंने यहाँ पर पांच पांच do's और पांच don'ts लिखे हैं.
मेक श्योर बाय द टाइम आई एम स्पीकिंग आप इनका एक स्क्रीनशॉट ले रहे हो और आप अपने चैनल पर भी टैग कर सकते हो हमें इफ यू फील लाइक वी आर डूइंग अ ग्रेट जॉब एंड यू आर लर्निंग फ्रॉम अस। तो एक छोटा सा फेवर क्या करना है आज आपको, जो भी डूज एंड डॉन्ट्स मैंने जीडी के लिखे हैं प्लस द पिक्चर ऑफ फैश क्रू, टेक अ स्क्रीनशॉट, पुट इट ऑन योर व्हाट्सएप, पुट इट ऑन योर इंस्टाग्राम, पुट इट ऑन योर यूट्यूब, वेयर एवर यू आर अवेलेबल ऑन सोशल मीडिया। आप टैग कर दीजिए फैश क्रू को, फैश क्रू का आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है, ताकि हमें भी अवेयर हो कि आप हमारे साथ सीख रहे हो और आप हमारे साथ ग्रो कर रहे हो। सो ये कुछ डूज एंड डोंट्स है। मीनवाइल आई वाज टॉकिंग, यू मस्ट हैव रेड ऑल द डूज एंड डोंट्स। सो चलिए अब लास्ट पार्ट की बात करते हैं ऑफ द ग्रुप डिस्कशन। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, जब भी आप जीडी में जा रहे हैं प्लीज रिमेंबर बहुत ही बेसिक टॉपिक्स आपको मिलते हैं। एविएशन इज वन ऑफ द ब्लेस्ड इंडस्ट्री जहां पर हमें हैवी टॉपिक्स नहीं मिलते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत ज्यादा ये होता है कि जो इंडिगो एयरलाइन में चलता है या जो एयर इंडिया में चलता है, दो अलग पार्ट है। जो इंडिगो आपका इंटरव्यू लेता है उसको बोलते हैं हम ग्रुप इंटरव्यू, ना कि ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन होता है जहां पर आपके 7 से 12 लोग आपको सेमी सर्कल में बिठाया जाता है या टीम्स में बिठाया जाता है। Somebody will start the topic, somebody will end the topic, और आप सिर्फ discussion करते हैं जैसे हम घरों में discussion करते हैं। इसके अंदर कोई भी argument नहीं होता है। जरूरी नहीं है कि आपको against जाना है या favor जाना है, कोई जरूरी नहीं है। आप mediocre बन के भी play कर सकते हो in a group discussion। जो Indigo airline आपके round लेता है उसके अंदर आपका communication check होता है, उस round को बोलते हैं हम extempore round, okay? extempore round। अगर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए एक वीडियो एक्सटेम्पररी राउंड पर भी बनाऊं, फटाफट कमेंट सेक्शन में आप क्या लिखेंगे आज, एक्सटेम्पररी राउंड। आपको सिर्फ ये टैग करना है, ये टाइप करना है रादर, एक्सटेम्पररी राउंड, एंड आई विल गेट अ हिंट कि आप मेरे से एक वो वीडियो एक्सपेक्ट कर रहे हो। श्योरली आई विल मेक अ वीडियो ऑन द सेम एंड हम लोग इंटरव्यू के बारे में और ज्यादा डिटेल में बात करेंगे। विद दिस नोट, थैंक यू एवरीबडी फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको पता है आज क्या करना है, अगर इस मुकाम तक वीडियो देखा है तो आज का कमेंट क्या रहेगा हमारा, एक्सटेम्पररी राउंड। फटाफट कमेंट करके मुझे बताइए कि आप एक लॉयल और ट्रू लर्नर हैं, एंड आई वांट टू सी यू इन यूनिफॉर्म एज यू ऑलरेडी नो।